आज हम बताने जा रहे हैं बैक नेक, जिसका इंच हम लेंगे 3 इंच ब्रॉड लेंगे। हमारा बैक नेक है 6 इंच और उसकी जो ये डिज़ाइन बनाएंगे वो है हमारा कुछ 6.5 इंच। यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे जो डबल होके 2 इंच हो जाएगा। यहाँ से हमने 1 इंच लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने लिया है कुछ 6.5 इंच, ठीक है। यहाँ से हम 1 लेंगे, फिर यहाँ पे हम जो हमने इसको हम थोड़ा सा मटका शेप में करेंगे, ये हमारी मटका शेप है, ठीक है। इसे हम काटते हैं, ठीक है। गले को पूरा, जो हमारा गला था इसको हमने पूरा अच्छे से काट दिया है, यहाँ से इसकी शेप कर दी, यहाँ से मटका शेप है और यहाँ से हल्की सी स्क्वायर कर दी है। अब हम इसको चिपका रहे हैं प्रेस से और इसके ऊपर पेस्टिंग चिपकाएंगे। हमने इस गले को शेप पूरा देने के बाद हमने इस पेपर पे जो हमें कपड़ा चाहिए डिज़ाइन के लिए उस कपड़े पे हमने लगाया इसको, और उसके ऊपर से और अच्छा सा मतलब ठीक करने के लिए एक पेस्टिंग, इस पेस्टिंग के ऊपर एक पेस्टिंग मैंने और लगा दी है और उसे प्रेस से अच्छे से कर दिया है। अब मुझे इसका गला पलटने के लिए इसके ऊपर सिलाई लगानी है, पहले इसकी अच्छी सी शेप आ जाए। इसके ऊपर हम पूरी सिलाई लगाएंगे, जो हमारी शेप है, फिर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। मैं आगे आपको बताती हूँ। अब हमने इसको मोड़ दिया है, हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है और सिलाई से ही हमने इसको इसकी शेप की शेप पे सिलाई लगाई, फिर इसको मोड़ दिया और प्रेस की हेल्प से हमने इसको अच्छे से इसकी पूरी शेप दे दी है। और इसके बीच का जो देख के कि 6.5 इंच या हाफ 3-3 इंच आ रहा है, फिर इसका बीच का सेंटर लगा के अब हम इसकी कुर्ती पे रखते हैं, फिर डिज़ाइन तैयार करते हैं। अब हमने अपनी कुर्ती उल्टी रखनी है और इसको भी इस कुर्ती के ऊपर उल्टा रखना है, क्योंकि हमने इसे पलटना है ऐसे करके, तो इसको हम कुर्ती उल्टी और ये भी उल्टा। अब हम इसके सेंटर पर सिलाई मारेंगे। अब हमने इसकी पूरी की पूरी इसकी पूरी शेप पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको कैंची से कटिंग करेंगे। हमने इसे कैंची से काट दिया है और जहाँ पे नोक है हमने वहाँ पे कोने पे नोचेस लगा दिए हैं सारी तरफ, इधर भी जहाँ पे राउंड होता है वहाँ नोचेस ज़रूर लगाएं। अब हम इस गले को पलटने जा रहे हैं, ये देखिए। हमने इस गले को यहाँ पे पलट दिया है, ये देखिए। अब इस गले को पलटने के बाद इसको हम अच्छे से, पहले मैं इसको सेट करती हूँ, उसकी टॉप की सिलाई लगाती हूँ। अब हमने इसके ऊपर ये टॉप की सिलाई लगा दी है इसकी शेप के ऊपर। अब हम इसकी कॉर्नर की सिलाई, पूरी जो उसकी कॉर्नर की सिलाई है वो लगाएंगे। फिर इसके अंदर हम पाइपिंग से इसको, रेड कलर की पाइपिंग से इसको थोड़ा सा उभारेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कोने की सिलाई पूरी लगा दी है इसकी मटका शेप की। अब हम इसके अंदर पाइपिंग को, रेड कलर की पाइपिंग लगाएंगे जो इसकी कुर्ती का बेस है।
हमने पाइपिंग तैयार कर ली है। और ये पाइपिंग तैयार की है, हम सबसे पहले पाइपिंग को हल्का यहाँ से मोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हम पाइपिंग को यहाँ से थोड़ा सा मोड़ेंगे कि जब हम इसको नेक की तरफ पलटें, तुरपाई की तरफ, तो ये इसकी लुक अच्छी लगे। देखिए, और ये पट्टी है, ये अब हम इसमें इस पाइपिंग को लगाएंगे जो हमने पाइपिंग बनाई है। गले को हम इस तरफ उल्टा रखेंगे और जो ये पाइपिंग का जो ये मुंह है ये वाला, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम निकाल देंगे इस तरफ कि जब ये फिर ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने इस कपड़े को थोड़ा सा हमने फालतू रखना है यहाँ से, अब हम इसमें सिर्फ थोड़ी सी कपड़े को लेंगे, पाइपिंग को उसकी पूरी शेप में घुमा देंगे, जो इसकी शेप है और उसमें घुमाएंगे, जहाँ पर ये मोड़ने वाली चीज़ें आती हैं वहाँ पे हम सुई को नीचे रखते हैं, फिर हम घुमाते हैं मशीन कपड़े को अपनी मशीन से। जो मैं कपड़ा फालतू रख रही हूँ पाइपिंग के लिए, उसको बाद में हम कट लगाएंगे, कट इसलिए लगाएंगे जब हम पाइपिंग बनाएंगे तो वो फिनिशिंग से कट होने के बाद लग जाएगा। अब हमने ये पूरी सिलाई इस पर लगा दी है, अब हम इसमें कट लगाएंगे, क्योंकि जब हम राउंड कोई भी ये कोने पे जरूर लगाएंगे, जो ये हमारे कोने हैं, नीचे वाली सिलाई ना कटे और नीचे की सिलाई पे ध्यान दें, ऊपर वाला ये यहाँ हम वो लगाएंगे, कोनों पे कुट के लगाएंगे और जहाँ राउंड होता है वहाँ जरूर लगाएं, क्योंकि इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। इसके बाद हमने यहाँ पे सारे कट लगा दिए, अब हम इसको मोड़ रहे हैं, टर्न कर रहे हैं उल्टी की साइड, और जब ये इस कपड़े में भी आप कट लगा सकते हैं अगर शेप ना आए तो अच्छे से, क्योंकि रेब है। अब मैं इस पर अब इस पाइपिंग पे मैं सिलाई मार रही हूँ, पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना आए उसकी शेप पे सिलाई पूरी पाइपिंग पे मार देंगे। अब हमारी पाइपिंग लग चुकी है, उसके बाद हमने पाइपिंग लगाने के बाद हमने इधर अपनी लेस लगानी है, इसकी शेप पे लेस लगानी है पूरी, देखिए इसके ऊपर नहीं लगानी, एकदम से ऊपर नहीं लगानी, इसके साथ में लगानी है, ये हो सो इतना ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ही इसकी शेप को कवर करें, बाकी इसकी ज़्यादा ऊपर नहीं लगानी है। जो हमारे ये कर्व होते हैं, कर्व पे ध्यान रखना चाहिए कि लेस को वैसे ही कर्व की तरह घुमाएं। मैंने
मैंने ये गला बना दिया है, इस पर पाइपिंग भी लगा दी है और इसकी आउटलाइन पे लेस लगा दी है, बीच में ये तीन बॉल्स लगा दी है, आप और अच्छे से लटकन लगा सकते हैं। ये गला आपके सामने है, ठीक है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।